अब भाई हम करने वाले हैं डीआई का क्वेश्चन सारा, ठीक है। इस शिफ्ट का जितना भी डीआई का क्वेश्चन है 7 तारीख का शिफ्ट टू का, सारे के सारे एक ही वीडियो में हम कम करेंगे, ठीक है। 11 में टाइप बी और 13 में टाइप ए कारक का उत्पादन, 14 में टाइप सी और 12 में टाइप डी कारक के उत्पादन से कितना होगा। 11 और 13 में देखो भाई, 11 में क्या है बी है और 13 में क्या है आपका, 13 में क्या है आपका ई है। तो 6 और 4 10, 6 5 11, 1 12 120। अब 120 आ रहा है तो भाई 8 आता है 120 में, 6 आता है 120 में, 5 आता है लेकिन 16 नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी तो कहीं नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार, 14 में कितना होता है, 14 में आ रहा है सी, यानी 14 में आ रहा है सी 56 और 12 में आ रहा है डी, 12 में आ रहा है डी। 6 और 1 7 और 6 और 5 11, 117 ऐसे कैसे हो जाएगा। 14 में सी, ठीक है, और 12 में डी आएगा ना, वही मैं भी सोचूं, 12 में डी, ठीक है। 6 और 4 10 और 6 5 और 4 9 10, 112 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 6:5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या करें कि यदि सी प्रकार के कारों का उत्पादन संबंधित डेटा वेद को देखा जाए, 2012 में कारों के उत्पादन के दर्शाने वाले जो कोण होंगे केंद्रीय कोण, उसका मान कितना होगा। 12 में सी के लिए बोला गया, 12 में सी के लिए बोला गया, यानी कितना हो जाएगा आपका 45, तो हो जाएगा 45 × 360 बटे में, इसको बोलते हैं 5 4 9 9 5 14 14 6 20 0, 5 10 10 10 20 25 और 2, कितना हो जाएगा 25 और 2 27, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 9 3 27, 5 और 3 से कटेगा कितने बार में, 12, तो हो जाएगा कितना 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है कि 14 में सभी प्रकार के कारों का औसत उत्पादन, यानी 14 में सभी प्रकार का कारों का औसत उत्पादन, ठीक है। 13 में बी और 10 में डी प्रकार के कारों के उत्पादन से लगभग कितना प्रतिशत कम है। 13 में बी है 68 और 10 में डी है 42, 8 2 10, 6 4 10 है 11, 110 आ रहा है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं कितना हो जाएगा आपका, 6 और 4 10, ठीक है, 5 3 8 2 10 10 और 10 20 2, 6 6 12 12 18 18 और 7 25 और 5 30 और 2 32 320, बटे 5 5 6 30 5 4 64, कितना कम है भाई, 64 आ रहा है 110 से, यानी कि 10 में से 4 जाएगा 6 और 10 में से 6 जाएगा 4, 46 आ रहा है ना, कितना आ रहा है भाई 46 आ रहा है। तो अब ये क्या करोगे, 46 बटे 110 इंटू 100 कर दो, ये हो जाएगा कितना 460, यानी कि 11 चौक 44, 4 तो जाएगा ही जाएगा, ये बचेगा 2 और यहाँ पर 0, यानी 20 और 11 2 22 होता है, 11 1 11, यानी 41 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 41.8%, तो ये हो जाएगा कितना 41.8%, बात क्लियर हुई। अगला और ये आखिरी क्वेश्चन है देखो भाई, ये बोला गया कि 11 में टाइप ए और 12 में टाइप सी और ई कारों का कुल उत्पादन, ठीक है, जोड़ लेते हैं एक बार, 9 और 10 9 और 1 10 और 5 15, 6 और 4 10 16 और 1 17, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया, तो 10 से 14 के दौरान टाइप बी कारों का कुल उत्पादन, 10 से 14 यानी कि ये हो जाएगा 6 और 4 10 8 और 2 10 10 और 10 20 हो जाएगा, 5 और 5 10 10 10 20 26 और 2 6 2 8 28 280 का कितना प्रतिशत है, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा कितना आपका 175 बटे 280 × 100, यही होगा ना, तो ये कट जाएगा 8 और 2 10, नीचे की क्या रहा है 1 है, डिजिट एंड सम लगा सकते हैं, यानी 7 1 8 5 13 का 4 आना चाहिए, डिजिट एंड सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 किसका आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 5 और 6 2 8 5 13 का 4 इसका आ रहा है, 5 4 9 7 16 का 7 आ रहा है, ये नहीं होगा, 8 8 16 और 5 6 5 11 21 का 3 आ रहा है, ये नहीं, एक ही ऑप्शन है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 62.5% आएगा।
तो यहाँ हमने क्या किए, डीआई का सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और साथ में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, तो वो चीज़ आप खुद से कर लेना भाई, ठीक है, वो हमने छोड़ दिया है। तो 24 क्वेश्चन ऐसे ही शिफ्ट से हमने पूरे के पूरे कंप्लीट किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो में, बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहाँ पर पीवाईक्यू जो आपको 1x1 क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया गया है, आप जिससे ये होगा कि आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, बाकी आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।